हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपी इरफान और आसिफ का पुतला दहन कर विरोध किया। वहीं सरकार से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। जनपद शामली में हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ताओं ने शहर के शिव चौक पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी इरफान और आसिफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने आरोपी इरफान और आसिफ का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अध्यक्ष कुलदीप गौड़ व अन्य कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि आरोपियों के लिए फांसी की सजा तो कुछ भी नहीं है, ऐसे आरोपियों को बीच चौराहे पर लटकाकर तेजाब डालकर जला देने की मांग है, ताकि आगे समाज में इस तरह की घटना आगे कोई भी दरिंदा न कर सके। आज हिंदू रक्षा सेना ने मंदसौर मध्य प्रदेश में हुई विकट दुर्घटना पर दुख जताते हुए बलात्कार के आरोपी इरफान और आसिफ का पुतला दहन किया है। उन लोगों के द्वारा इंसानियत को शर्मसार करते हुए वैसी दरिंदगी के साथ में एक हिंदू नाबालिग 7 वर्ष की कन्या जो ठीक से खाना और पहनना भी नहीं जानती, उसके साथ में इन लोगों के द्वारा बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। अच्छा, तो क्या मांग है अब आपकी? हमारी मांग देश की सबसे बड़ी सजा फांसी की भी अगर मांग करेंगे तो उन जैसे आरोपियों को, वैसी दरिंदे को ये फांसी की सजा भी बहुत कम होगी। हिंदू रक्षा सेना जनपद शामली मांग करती है कि इन जैसे हैवसी दरिंदे को खड़े चौराहे पर नगन करके तेजाब से जला दिया जाए, क्योंकि इनकी सजा यही है।